चलिए आज हम लोग क्लास आठ का मैथ चैप्टर वन, हेडिंग है आपका परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है, इस परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग परिमेय पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या और आपका क्या था प्राकृतिक संख्या ना, इनके बारे में जानेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या जानेंगे, परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या क्या होता है या परिमेय संख्या हम लोग किसको कहते हैं। तो परिमेय संख्या क्या चीज है, तो इसका डिफाइन किया गया है कि जिस संख्या को हम लोग p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वैसा कोई भी संख्या जिसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर ये p और q जो है, p और q एक पूर्णांक होना चाहिए और ये जो आपका q है, q का मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू का मान आपका सब कुछ हो सकता है, माइनस वन हो सकता है, प्लस वन हो सकता है, दस हो सकता है, माइनस दस हो सकता है, बीस हो सकता है, माइनस बीस हो सकता है, लेकिन क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम लोग कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है। जैसे देख लीजिए ये दो बार तीन, क्या आपको लगता है ये पी बाय क्यू के रूप में है, तो हाँ है। इसका मतलब क्या है, ये दो बट्टे तीन ये एक परिमेय संख्या है, समझ में आ रहा है। तो परिमेय संख्या को हम लोग डिफाइन भी किए हुए हैं कि जिस संख्या को p बाय q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यानी कि लिखा जा सकता है, जहां पर ये जो p और q है, ये p और q है, क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब ऋणात्मक संख्या भी, धनात्मक संख्या भी, और इसमें शून्य भी शामिल होता है ना, उन्हीं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे p और q जो है आपका एक पूर्णांक संख्या है, तथा कंडीशन क्या दिया गया है, ये जो q का मान है जीरो नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग पढ़ते हैं, q बराबर नहीं है जीरो, q डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या पढ़ते हैं, q डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपका क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो सिंपल सा साधारण सा परिभाषा है कि वे कोई भी संख्या जिसको हम लोग p बाय q के रूप में लिख सकते हैं वे आपका परिमेय संख्या होगा, यदि एक कंडीशन आपका डिफाइन हो जाए कि q का मान जीरो नहीं होना चाहिए और p और q आपका क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। कोई दिक्कत, जैसे एग्जांपल में दिखाया गया है 1/3, ये आपका देखिए p और q के रूप में, 1/2, 3/2, 5/7, -3/2, 8/5, -8/5, -6/5, अब लास्ट में देखते लिखा हुआ 0/5, 0/4, क्या ये एक परिमेय संख्या है, 0/4 परिमेय संख्या होता है। कैसे होता उस चीज को भी हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं 0, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 तो हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये तो कंडीशन हो रहा है पी बाय क्यू, जिस संख्या को हम लोग पी बाय क्यू के रूप में लिखेंगे वो परिमेय संख्या होगा। तो जीरो को हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए जीरो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। वही चीज यहां पर लिखा भी गया है कि ये जो है आपका शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को p बाय क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, है ना, जैसे आपका 0/3 है, 0/5 है, 0/8 है, सबको डिवाइड देंगे तो जीरो ही आएगा और नीचे में आपका 1 होगा और ये आपका क्या जाएगा, p बाय क्यू के रूप का दिखने लगेगा। जो भी संख्या p बाय क्यू के रूप में दिखने लगे उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। कोई दिक्कत है, चलिए। तो अब जैसे हम लोग कोई परिमेय संख्या लिखते हैं तो यहाँ पे जैसे p और q जो है, p q जो है सबसे सरलतम रूप लिखा जाता है, जब भी हम लोग p और q लिखेंगे ना वो सबसे सरलतम रूप में लिखा जाना चाहिए। सरलतम रूप का मतलब यह होता है कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या चीज होता है, तो जैसे देखिए हम लोग, जैसे हम लोग 4/6 लिखते हैं, तो यहां पर
इसको हम लोग दो गुणा दो लिख सकते हैं, इसको तीन गुणा दो लिख सकते हैं। ये देखिए ऊपर P हो गया, नीचे आपका Q हो गया। P और Q दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है आपका। ये जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आपका ये क्या होगा, दो और दो कट जाएगा, तो दो बार तीन। ये आपका सरलतम रूप है, ये आपका परिमेय संख्या का सरलतम रूप कहलाता है। लेकिन ये जो है चार बार छह परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या का सरलतम रूप नहीं है। तो कोई भी अगर परिमेय संख्या दिया गया होगा उसको आप इस सरलतम रूप में लिखिए पहले, तब वह परिमेय संख्या का सरलतम रूप होगा। जो भी उसमें उभयनिष्ठ होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कटिंग कर देंगे। इससे हम लोगों का परिमेय संख्या का सरलतम रूप क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में जाने, तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से होता है, एक दो। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकता है, क्या ऐसा संभव है? हाँ है, ऐसा संभव है। जैसे हम लोग देखिए प्राकृतिक संख्या जानते हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, यही ना। सबके नीचे में वन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? तो ये तो आपका p बाय q के रूप में दिख रहा है। इसका मतलब है कि टोटल का टोटल प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होगा। जितना भी इस दुनिया में जितना भी प्राकृतिक संख्याएं होंगे वे सभी आपका परिमेय संख्या होगा। जैसे 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, सो ऑन, इसी प्रकार से आगे भी। यानी कि p बाय q के रूप में लिखा जा रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। जैसे 2/1, 3/1, है ना, एंड सो ऑन, समझ में आया? लेकिन इसका अपोजिट सही नहीं होता, किंतु प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। अब जैसे ये देखिए, ये आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या दो है आपका, और ये क्या है, 2/1 एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब है कि दो आपका एक प्राकृतिक संख्या होगा। लेकिन ये देखिए 5/3, ये भी तो परिमेय संख्या है ना, 5/3 परिमेय संख्या है। लेकिन क्या 5/3 प्राकृतिक संख्या के समूह में आता है? नहीं आता है, ये तो आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसलिए हम लोग कहें कि किंतु प्रत्येक परिमेय संख्या, यानी कि दुनिया का सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। जितना भी पूर्ण संख्या होगा इसी नजीर, यही नहीं परिमेय पूर्ण संख्या, आपका जीरो को एड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो को सम्मिलित कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। तो आपका सभी के सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृतिक संख्या, सॉरी परिमेय संख्याएं होती है। किंतु प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। प्रत्येक परिमेय संख्या, जैसे अभी हम लोग एग्जांपल दिए 5/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या होगा क्या? 5/3 पूर्ण संख्याओं के समूह में आता है? नहीं आता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो सही, प्रत्येक पूर्णांक संख्या है ना, ये सभी तो आपका पूर्णांक है, 1, 2, 3, 4, 5 पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या भी है। इसके आगे हम लोग माइनस लगा देंगे, -1, -3, -5, -5, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, संभव है। जीरो भी है, 0/1 भी आपका क्या हो रहा, परिमेय संख्या हो रहा, समझ में आ रहा ना। जीरो पूर्णांक होता है, नेगेटिव संख्या में पूर्णांक होता है, तो नेगेटिव संख्या को भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे -3/1 ये आपका कौन सा संख्या, -3 पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को हम लोग परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। जीरो भी आपका क्या है, पूर्णांक संख्या, तो जीरो को भी हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या हो रहा। 5 भी क्या है, पूर्णांक संख्या, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये सत्य है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, किंतु प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती। जैसे वही एग्जाम्पल 5/3 5/3 एक परिमेय संख्या है ना, p बाय q के रूप में है,
लेकिन ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है। क्या पूर्णांक संख्या के समूह में ऐसा कोई संख्या आता है या ऐसा कोई संख्या आता है? नहीं आता है। 1/2 नहीं आता है, 1/3 नहीं आता है। ये सभी पूर्णांक संख्या के समूह में हम लोग नहीं देखे थे। इससे पहले वाले क्लास में इसी के बारे में पढ़े, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, है ना, पूर्णांक संख्या क्या है, तो हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक दशमलव संख्या जो है एक परिमेय संख्या होता है। ये क्या है? दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या हम लोग किसको कहते हैं? तो दशमलव संख्या जैसे ये देख लीजिए 0.5 है ना दशमलव संख्या। क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ है। डेसिमल उड़ा देते हैं तो 5/10 आ जाएगा, कटिंग होके क्या आ जाएगा? 1/2। 1/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसीलिए लिखा गया है कि प्रत्येक दशमलव संख्या एक परिमेय संख्या होती है। दशमलव का मतलब यही होता है। उसी प्रकार से 0.32 पॉइंट उड़ेगा 100 आ जाएगा, तो आपका ये क्या हो गया? पी और क्यू के रूप का दिखने लगा, फोटो दिखने लगा। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये डेसिमल 0.32 एक परिमेय संख्या है। क्या कोई दिक्कत है? तो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव। तो भिन्न रियल में होता क्या चीज है? एक परिमेय संख्या। भिन्न रियल में एक परिमेय संख्या ही होता है। ये देख लीजिए 11/12, तो यहां लिखा गया है परिमेय संख्या का योग यानी कि जोड़, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का जोड़, तो जोड़ हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आते हैं हम लोग। इस प्रकार के परिमेय संख्या के जोड़ को हम लोग सिंपल में कहते हैं भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाव। तो हम लोग भिन्न का जोड़ जानते हैं, भिन्न का घटाव भी जानते हैं। भिन्न का जोड़ या घटाव निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये जो आपका 12 है, ये जो आपका 16 है, इस 12 और 16 का क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हम लोग किस तरीके से निकालते हैं? 12 है, 16 है, ये 12 और 16 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, यहाँ क्या आ जाएगा? 6, यहाँ 8, ये और कटेगा 3/4। क्या और कटेगा? नहीं कटने वाला है। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 2 × 4 = 12 × 4 कितना होगा? 48 हो जाएगा ना। तो हम लोग यहां लिख देंगे 48। अब हम लोग क्या करते हैं, जब 48 लिख दिए तो इस एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, पहला वाला जो आपका भिन्न है या पहला वाला जो परिमेय संख्या है, उस परिमेय संख्या का जो ये आपका क्या कहलाता, हर, हर से भागा देते हैं। या हम लोग टेबल पढ़ते हैं, 12 का टेबल कितना टाइम्स हम लोग पढ़ेंगे जो 48 आ जाएगा, तो 4 टाइम पढ़ेंगे, है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 4। और 11 को हम लोग 4 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 × 4 = 44 हो जाएगा आपका, ठीक है, आगे में प्लस है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 16 का टेबल पढ़ेंगे या 16 से भागा देंगे किसको, इस एलसीएम को। तो 16 × 3 = 40, तो 3 आएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 × 3 = 33, आपका जोड़ने से हो जाएगा 77/48। तो इस तरीके से हम लोग बचपन में सीखे हुए हैं कि किसी तरीके से हम लोग दो परिमेय संख्या या दो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से दो भिन्नों को हम लोग कैसे घटाते हैं वो भी आपका यहाँ पर बताया गया है। तो आप सेम प्रोसेस करके दो भिन्नों को आप लोग घटा सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है?